अपनी इस अनंत यात्रा में लिखता रहा है हिसाब, पल पल का, कण कण का, धरती आकाश पाताल सबका। धरती के सात प्राचीन द्वीपों में एक है जम्बू द्वीप, भारत खंड, अपना भारत। भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरव है। अरे धाम बिगड़े थे, मतलब मध्य होते ना। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते हैं सातवाहन। उनके बाद आए वातागढ़ की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृति। यादवों ने देवभूमि को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। शासक बदल रहे हैं, राज्य की सीमा बदल रही है, इसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई, ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद अली शाह के अधीन। उसके जुल्म सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक शाहजी राजे भोसले शिव नेवी के जागीरदार शाहजी भोसले की पत्नी थी माता जीजा। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शाह प्यार से तुम्हारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने भारत की गौरव गाथाएं, रामायण महाभारत और वीरों की गाथाएं। शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावलों समूचे मराठा समाज, उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध को खाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। जय
मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र सिर्फ 15 बार, जब तोड़ना किले पर फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका, नाम रखा प्रचंड गढ़। वीर शिवाजी को रोक ने प्रताप द्वारा पहुंचा बेलशाही सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार बयान ना था। उल्टा शिवाजी ने मगनत से उसकी आंखें निकाली। थर्रा उठी थी आदिलशाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूरा पहुंचे औरंगजेब के वजीर शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र के संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बनाया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी, मुगल सेना को भड़क भी नहीं लगी। शहर से निकल गए वीर शिवाजी। प्राणों की आहुति शिवा कृष्ण शिवा मानव बाजी प्रभु देश पांडे तानाजी मालू सरे जैसे अनगिनत वीर मावो रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राजाभिषेक। रंग धोए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चंदोल फैल रही, देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। बसंत 1680 तारीख 3 अप्रैल हिंदवी स्वराज का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित है। स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर रहा।
आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। इस उद्घोष न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान दी।